आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। दो दिवसीय वार्षिक क्रीडा समारोह का समापन 200 मीटर की दौड़ में तनु तो 400 मीटर की दौड़ में मुनि ने लहराया परचम। केशव प्रसाद मिश्र राजकीय महिला महाविद्यालय औराई भदोही में आज दिनांक 28 जनवरी 2023 को दो दिवसीय वार्षिक क्रीडा समारोह का समापन मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ब्रज किशोर त्रिपाठी द्वारा किया गया। आज प्रतियोगिताओं के दूसरे दिन प्रथम प्रतियोगिता 200 मीटर की दौड़ हुई, जिसमें प्रथम स्थान तनु शुक्ला बीए तृतीय वर्ष, द्वितीय स्थान सरिता यादव एवं तृतीय स्थान नंदिनी चौबे बीए तृतीय सेमेस्टर ने प्राप्त किया। लंबी कूद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान तनु शुक्ला बीए तृतीय सेमेस्टर ने, द्वितीय स्थान सरिता यादव एवं तृतीय स्थान श्वेता शुक्ला बीएससी तृतीय सेमेस्टर ने प्राप्त किया। ऊंची कूद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मोनी यादव बीए प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय स्थान खुशबू दुबे बीएससी प्रथम सेमेस्टर एवं तृतीय स्थान शालिनी राय एमए तृतीय सेमेस्टर ने प्राप्त किया। 400 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मोनी यादव बीए तृतीय सेमेस्टर, द्वितीय स्थान रिमझिम एवं तृतीय स्थान चंदाबिंद बीएससी तृतीय वर्ष ने प्राप्त किया। समस्त विजयी प्रतिभागियों को मेडल ट्रॉफी किट एवं प्रमाण पत्र देकर महाविद्यालय के प्राचार्य ब्रज किशोर त्रिपाठी एवं समस्त महाविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में प्राप्त परिणामों के अंकों के आधार पर इस वर्ष की चैंपियन तनु शुक्ला बीए तृतीय सेमेस्टर को चुना गया। चैंपियन छात्रा तनु शुक्ला ने महाविद्यालय क्रीड़ा परिषद के ध्वज को लेकर महाविद्यालय के चारों ओर चक्कर लगाया एवं ध्वज को क्रीड़ा प्रभारी जय कुमार को सौंप दिया। अपने उद्बोधन में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ब्रज किशोर त्रिपाठी ने सर्वप्रथम समस्त प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के प्रति कामना की और कहा कि प्रतियोगिताओं एवं अपने जीवन के हर क्षेत्र में सदैव अनुशासित, समर्पित एवं अव्वल रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के प्रथम दिवस मुख्य अतिथि के रूप में पधारे औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने महाविद्यालय के भवनों की समस्या के बारे में जाना और उनका निराकरण करने के लिए पत्र लिखने को कहा। इसके साथ ही औराई विधायक ने कहा कि महाविद्यालय तक आने वाली सड़क जो पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जल्द ही इसका निर्माण कराया जाएगा। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्यगण डॉक्टर आकांक्षा त्रिपाठी, डॉक्टर रीना सिंह, डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र, डॉक्टर लक्ष्मी यादव, डॉक्टर रमोद कुमार मौर्य, डॉक्टर प्रकाश चंद गुप्त, डॉक्टर सुचिता वर्मा, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर ज्योत्सना जायसवाल, डॉक्टर मोहम्मद अकीक तौकीफ, डॉक्टर कृष्ण कुमार, डॉक्टर सोहन कुमार यादव, डॉक्टर प्रवीण कुमार राय, डॉक्टर जय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, डॉक्टर अरविंद कुमार उपाध्याय, डॉक्टर योगेंद्र लाल वर्मा, डॉक्टर श्वेता त्रिपाठी एवं डॉक्टर निशा मिश्रा सहित सभी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। महाविद्यालय का वार्षिक क्रीड़ा समारोह है, जिसका उद्घाटन कल इस औराई क्षेत्र के माननीय विधायक श्री दीनानाथ भास्कर जी के द्वारा किया गया और इस दो दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में हमारे महाविद्यालय की करीब 500 छात्राओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें दो दिन तक लंबी कूद, ऊंची कूद, चक्का प्रक्षेप, गोला प्रक्षेप, 200 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़ और 100 मीटर की दौड़ इत्यादि विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन विभिन्न प्रतियोगिताओं में नंबर के आधार पर किन्हीं पांच प्रतियोगिताओं में जो सर्वोच्च अंक प्राप्त करेगी वह छात्रा इस महाविद्यालय की इस शैक्षिक सत्र की चैंपियन छात्रा घोषित की जाएगी। माननीय विधायक जी से मैंने अपने महाविद्यालय परिवार के प्रतिनिधि के रूप में महाविद्यालय की कुछ समस्याओं से उनको अवगत कराया। उन्होंने जिसमें से सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस महाविद्यालय ने सन 2019 में नैक द्वारा मूल्यांकन करवाया है। उस नैक की पीयर टीम ने अपनी रिपोर्ट में इस महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं, एमए के विषयों, शेष विषयों और एमएससी की कक्षाएं
संचालित करवा करके महाविद्यालय को के उस स्तरोन्नयन की सिफारिश की। यह बात माननीय विधायक जी के संज्ञान में लाई गई और उनसे यह निवेदन किया गया कि आप कृपया इस महाविद्यालय के स्तरोन्नयन में हमारी सहायता करें। उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि आप एक मांग पत्र मुझे प्रस्तुत करें, मैं अपने स्तर से और आपको अपने लेटर पैड पर सिफारिशी पत्र लिख करके दे दूंगा और अपनी तरफ से भी इसके लिए प्रयास करूंगा। दूसरी जो हमारे कॉलेज की सबसे बड़ी एक समस्या है कि इस महाविद्यालय में केवल एक ही बिल्डिंग है जिसमें प्रशासनिक कार्य होते हैं और अन्य शैक्षिक और को करिकुलर से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि करवाए जाते हैं। जैसा कि ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों में सन 2020 की जो NEP है, नई शिक्षा नीति, उसे लागू कर दी है। यह महाविद्यालय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध है तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने भी नई शिक्षा नीति लागू की है। इस स्थिति में स्नातक कक्षाओं में भी चूंकि सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई है और कुछ अतिरिक्त विषयों का भी अध्यापन बढ़ गया है, जैसे को करिकुलर, स्किल डेवलपमेंट इत्यादि, ऐसी स्थिति में हमारे पास सभी विषयों को समान समय में कक्षा अध्यापन कराने के लिए कमरों की बहुत ही कमी पड़ती है। इस समस्या से जब माननीय विधायक जी को अवगत कराया गया तो उन्होंने सहर्ष अपने विधायक निधि में से एक कमरा वेल फर्निश्ड बनवाने का पूर्ण आश्वासन दिया है और इसके लिए भी उन्होंने कहा है कि आप बाद में मुझसे मिल करके एक मांग पत्र प्रस्तुत करिएगा और मैं एक कमरा बनवा दूंगा। और उन्होंने अपनी ही तरफ से इस महाविद्यालय का जो संपर्क मार्ग है, जो कि बहुत ऊबड़ खाबड़ है, आए दिन लड़कियां साइकिल से आती हैं, कभी गिर भी जाती, इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने स्वतः स्फूर्त चेतना से संपर्क मार्ग बनवाने का भी आश्वासन दिया है और हम लोग पूरी तरह आशान्वित हैं कि वो हमारी मांगों को जरूर पूरा करेंगे। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें WhatsApp भी कर सकते हैं।